उत्तर प्रदेश का सियासी महाभारत। ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देंगे। मैनपुरी में किसका दौड़ेगा विजेता? यही कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी करेंगे। करहल की भूमि पर आर पार, अखिलेश बनेंगे करहल के कर्णधार। सियासी रणभूमि पर कौन होगा सफर? हर सियासी गुणा गणित बताएंगे फील्ड मार्शल। सैफई एक ऐसा गांव जो अपने आधुनिक सुख सुविधाओं में बड़े बड़े महानगरों को मात देता हो, एक ऐसा नाम जिसके जिक्र मात्र से समाजवादियों की आंखों में चमक बिखर जाता हो, वो उनके लिए किसी तीर्थस्थल से कम नहीं हो। अखिलेश मुलायम का जन्म स्थान, जहां की खुशबू पूरे यादवलैंड में महसूस की जा सकती है। जी हां, यहां से महज 5 किलोमीटर दूर करहल से सपा अध्यक्ष इसीलिए तो अपने जीवन का पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी के लिए जब जाते हैं तो इस सफर में एक पड़ाव आता है जो सरकारी दस्तावेजों में गांव के तौर पर दर्ज है, लेकिन उसका सियासी रसूख इतना है कि आसपास के शहर भी उसके मुकाबले नजर नहीं आते। ये डावा का सैफई गांव है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तब तब सैफई गांव निखरता चला गया। मुलायम सिंह यादव के परिवार की सबसे मजबूत पृष्ठभूमि का विकास देखने लायक है। आज हम सैफई से करहल जाएंगे, बताएंगे सियासी और जातीय समीकरण और वो वजह कि आखिर क्यों अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सैफई से यादव परिवार का वो अटूट रिश्ता जो सत्ता से बाहर रहने के बाद भी जनता से उनको जोड़ कर रखता है। पिज्जा उनके करो, वो खाना उनका किया हुआ, रोजगार उन्हें दिया। जब से बीजेपी सरकार आई न तो कोई रोजगार है और न कहाँ देखो किसान के लिए कहाँ देखो कोई सुविधा है, खाद मिल नहीं रही। मुलायम सिंह की देन है, सतपाल चच्चा की देन है, उन्हीं की देन है। जो विकास हुआ है उन्हीं का हुआ है, उन्हीं ने किया है, यहाँ किसी ने नहीं किया है। वो ही अर्जुन है, वो ही अखिलेश भाई है, चारों को पछाड़ेंगे। योगी, मोदी, राजनाथ और केशव मौर्य, अखिलेश भैया जिंदाबाद। इटावा के सैफई गाँव के देन 1967 से बहुरने लगे थे, जब पहली बार मुलायम सिंह यादव विधानसभा की दहलीज पर पहुंचे थे, और 1989 में जब मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो विकास की रफ्तार बढ़ती चली गई। चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो या फिर अखिलेश यादव, सैफई गांव को वो सब दिया जो किसी भी शहर की सिर्फ कल्पना होती है। सैफई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय तरणताल है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, VVIP गेस्ट हाउस है, हवाई पट्टी है, पक्की और चौड़ी सड़कें। सैफई आज यादव परिवार के नाम से जाना जाता है, और यही वजह है कि सैफई की जनता हमेशा समाजवादी पार्टी का बखान करती है और याद करती है सपा के कार्यकाल। सपा का झंडा यूपी में लहरे हवा के झोंके से, जो विकास किया है जैसे PGI बनवाया है और जो हैबरा डिग्री कॉलेज, चौधरी चरण सिंह PG कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेडियम बनवाए हैं, लेकिन भाजपा की सरकार में जो विकास जो है पैरों से चल के कंधे पे चढ़ गया है। बिल्कुल, उनकी सबसे ज़्यादा उनके समय में ही शिक्षा पे ध्यान दिया गया, ठीक है। और जब से इनकी सरकार, योगी जी की सरकार बनी, मेरे हिसाब से, मैं एक स्टूडेंट हूँ
तो मुझे तो कोई ना नौकरी में मिला कुछ, कुछ नहीं ना ही कोई एक भर्ती कंप्लीट करा पाई इन्होंने, कुछ भी कंप्लीट नहीं करा पाया अभी तक। लग रहा है पूरा शहर है जी, शहर ही है पूरा, पूरा शहर है, शहर है। यहाँ पे तो अखिलेश भैया की चलती है, सब लोग उन्हीं को वोट देंगे, उनसे ही खुश रहते हैं, बाबा जी से नहीं खुश रहते इतना। अब बाबा जी ने कुछ किया ही नहीं, बाबा जी ने हमारे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया बाबा जी ने। अब आपको लेकर चलते हैं सपा के गढ़ सैफई से 5 किलोमीटर दूर मैनपुरी के करहा, जहां से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही करहल है जहां मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाई भी की और पढ़ाया भी। ये वही करहल है जहां उन्होंने पहलवानी के दांव पेच सीखे और बड़े बड़े सियासी सुरमाओं को उठाकर पटक दिया, धूल चटा दी। आज करहल का सियासी अखाड़ा तो वही है, लेकिन अब पहलवान बदल चुके हैं। जहां एक तरफ मुलायम सिंह यादव का बेटा चुनाव लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके खिलाफ उनका शिष्य ताल ठोक रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें हैं कि इस सियासी अखाड़े में विजेता पहलवान कौन होगा। यू तो सैफई इटावा जिले में आता है, लेकिन सैफई के सबसे नजदीक है मैनपुरी का करहा, और यही वजह रही है कि मैनपुरी नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि भी रही है। मैनपुरी के करहल में नेताजी ने शुरुआती पढ़ाई लिखाई की और जिस जैन इंटर कॉलेज से वो पढ़े, बाद में उसी में शिक्षक भी बने। इसी करहल के रहने वाले नत्थू सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव को राजनीति में लाने का काम किया, और जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सीएम बने तो सैफई के विकास का असर करहल में भी देखने को मिला। साल 1992 समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से अब तक 6 चुनाव हुए, जिसमें 5 बार समाजवादी पार्टी जीती है। इसका कारण है कि करहल में लगभग 4.25 लाख मतदाता हैं, जिसमें 1.5 लाख यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के कट्टर समर्थक हैं। 1992 में सपा के गठन के बाद करहल में यादव परिवार की छाप देखने को मिली। अगर करहल का सियासी इतिहास देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है करहल सीट। 1993 से करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का ही दबदबा है। सिर्फ एक बार भाजपा ने करहल सीट पर जीत दर्ज की। 2002 में भाजपा प्रत्याशी करहल सीट से जीते। 22 के रण की डुगडुगी जब बजी तो अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पहले खबरें आ रही थी कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आखिरकार मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने पर मोहर लगी। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर करहल सीट का जातिगत समीकरण क्या है, क्योंकि यही तय करता है कि आखिरकार किस प्रत्याशी को क्यों उतारा गया है। अगर करहल सीट का जातिगत समीकरण देखें तो करहल सीट पर कुल वोटर्स करीब 3,72,000 है, जिसमें से यादव वोटर्स करीब 1,22,000 है, तो वहीं मुस्लिम वोटर्स करीब 20,000 से 25,000 है। ये वो जातिगत समीकरण है जिसने कभी सपा के इस गढ़ में किसी और पार्टी को मजबूत नहीं होने दिया। और एक बार फिर से जब अखिलेश यादव ने करहल से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तब से करहल के सपा समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उनकी पोजीशन यहाँ कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव जी यहाँ पे रिकॉर्ड लिखने का काम, इतिहास लिखने का काम करेंगे, और यहाँ की जनता भली बात समझ चुकी है। बीजेपी के जो डपोचले, बीजेपी के प्रत्याशी को जगह जगह खदेड़ा जा रहा है, यहाँ कोई मुकाबला नहीं है अखिलेश यादव जी से। और यहाँ अखिलेश यादव जी प्रदेश में ही नहीं, हमें लगता है पूरे देश में ये इतिहास लिखने का काम करेंगे। सबसे बड़ी अगर जीत होगी तो अखिलेश यादव जी की करहल से होगी। खदेड़ा तो आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक खदेड़ा हो रहा है। हम तो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, मेरा नाम रामधनी यादव है, मैं प्रसपा का प्रदेश सचिव हूँ, और इसी वजह से आपको बता रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इनका खदेड़ा हो गया है। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और सपा की क्या हाल है? करहल विधानसभा चुनाव में इतिहास इस बार तय होगा, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लाखों लाख की मत से जीतेंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की इस बार 400 के पार सीटें आने जा रही है। मुलायम सिंह यादव को पहलवान से माननीय का सफर तय कराने वाले नत्थू सिंह यादव के बेटे सुभाष यादव ने भी साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव को जिताने का काम करहल की जनता करेगी। अखिलेश जी को यहाँ मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, और नौजवान, किसान, सभी वर्ग के लोग अखिलेश जी को मतदान करेंगे। यहाँ विकास कार्य भी होगा, और जब वो मुख्यमंत्री का क्षेत्र होगा तो सब विकास ही होगा। अखिलेश जी
जीत जाएंगे। निश्चित रूप से अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन करहल सिर्फ इसलिए हॉट सीट नहीं है क्योंकि यहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में, बल्कि भाजपा के दाव ने सीट को हॉट सीट बना दिया है। भाजपा की उम्मीदें ध्रुवीकरण पर टिकी हैं। करहल सीट पर बघेल और शाक के दूसरे स्थान पर हैं और तीसरे स्थान पर क्षत्रिय मतदाता हैं। भारतीय जनता पार्टी शाक्य और क्षत्रिय मतदाताओं को अपना कोर वोटर मानती है और जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो यहां पर 30,000 बघेल हैं। इसी वजह से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा ने उतारा है। करहल में इस बार कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में अखिलेश यादव खुद उम्मीदवार के तौर पर करहल की जनता के बीच में है तो वहीं भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को करहल के मैदान में उतार दिया है। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है कि एसपी सिंह बघेल समाजवादी पार्टी के गढ़ से सांसद रहे हैं और कभी ये विधानसभा सीट भी उसी लोकसभा क्षेत्र में आती थी, इसलिए करहल में मुकाबला इस बार दिलचस्प होगा। भाजपा का झंडा फहराने को बेताब नजर आते हैं एसपी सिंह बघेल और इस कोशिश में लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। हारने के लिए लड़ने का शौक नहीं है, दांत खट्टे अखिलेश के मैंने 2009 में भी कर दिए थे। डिंपल हारी है उसका कारण मैं हूँ और अक्षय यादव के किले में मैंने दरार पैदा की, 19 में वो हार चुके हैं। मैं ही हेलीकॉप्टर लेके कन्नौज और बदायूं गया था, पार्टी ने भी हराया उनको, लेकिन मेरी भी भूमिका उन दोनों किलों को गिराने में। इस समय सेफी परिवार के लोग 3 हारे हुए घर में बैठे हुए हैं। डिंपल यादव बाई दे 2 जगह से आ रही हैं, कन्नौज और फिरोजाबाद, धर्मेंद्र बदायूं से और अक्षय यादव फिरोजाबाद से। एक तरफ भाजपा ने जातिगत समीकरणों को देखते हुए एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है तो वही दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया जिसने करहल की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। अब जरा भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर भी करहल के जातिगत समीकरण को समझा जाए। दरअसल यादव बाहुल्य सीट है करहल विधानसभा सीट, लेकिन शाक्य बघेल और क्षत्रिय वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में है। शाक्य और क्षत्रिय वोटर्स में भाजपा की पकड़ मानी जाती है। करहल सीट पर बघेल वोटर्स करीब 30,000 है, वहीं दलित वोटर्स पर भी भाजपा की नजर है। ये वो जातिगत आंकड़ा है जिस पर भाजपा भरोसा कर रही है और उस भरोसे का असर एसपी सिंह बघेल के चेहरे पर नजर आता है, लेकिन चुनौती कम नहीं है क्योंकि उनके सामने अखिलेश यादव है। पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव प्रचार करने में व्यस्त है तो यादव परिवार की नई पीढ़ी ने करहल में अखिलेश यादव के प्रचार की कमान संभाल रखी है। अभी तक के करहल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत इस बार विधानसभा करहल में होने जा रही है और सभी समाजों के लोग, सभी वर्गों के लोग अपने अगले मुख्यमंत्री को वोट देकर भारी मतों से जिताना चाहते हैं और लोगों के मन में बहुत उत्साह है चुनाव को लेकर। उनमें खुशी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करहल को अपने विधानसभा क्षेत्र के रूप में चुना। जो भाजपा के प्रत्याशी उनका क्षेत्र में ना पहले कभी आना जाना रहा, ना कोई लगाव ना जुड़ाव रहा और अपना वोट मांग रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनको नकार दिया है क्योंकि सब क्षेत्र के लोग जानते हैं कि इस करहल क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हुए वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को नेता जी की देन थे और आगे भी लोग जो है अपने विकास के लिए, सम्मान के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को वोट देना चाहते हैं। सियासी महाभारत के बीच जो रण करहल में तैयार हुआ है उसे लेकर करहल की जनता में उत्साह देखने को मिलता है क्योंकि करहल सपा का मजबूत गढ़ है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई इस करहल में साइकिल फिर से दौड़ पाएगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि लंबे समय से यहाँ सपा जीतती आई है, लेकिन करहल या मैनपुरी का विकास सैफई और इटावा की तरह नहीं हो पाया। करहल विधानसभा में अपने हिंदुस्तान के सबसे अच्छे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, इससे बड़ी और कोई करहल विधानसभा के लिए अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है और हम करहल विधानसभा के लोग उन्हें ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाएंगे। सभी कार्यकर्ता लोग सभी धन्यवाद। अब तक आपने समझा कि आखिर करहल में क्या बन रहे हैं सियासी और जातीय समीकरण, लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र को ही क्यों चुना। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने दो वजहों से करहल से चुनाव लड़ना तय किया। पहली वजह यह है कि यहां से चुनाव लड़ने पर उन्हें गली गली घूमकर वोट नहीं मांगना होगा और दूसरी वजह यह है कि यहां से लड़ने पर ब्रज, अवध, पश्चिम और यादवलैंड की ज्यादातर सीटों पर वो प्रभाव डाल सकेंगे। और रही बात पूर्वांचल की, तो सर्वे ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी
भारतीय जनता पार्टी से वहां आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। सियासी पंडित इस बात को लेकर माथापच्ची कर रहे थे कि आखिर अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, और आखिरकार अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट को चुना और ये फैसला कई मायनों में खास हो गया। सैफई से करहल की दूरी के साथ साथ जातिगत समीकरण तो है ही, जिस वजह से अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही करहल सीट का सियासी और भौगोलिक पृष्ठभूमि भी मायने रखती है। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है करहल, इटावा, मैनपुरी, सभी जगह फिरोजाबाद से लेकर के इधर पूर्वांचल में भी। अब यह हमारा 20 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर पूर्वांचल की ओर बढ़ेंगे, और हमें तो पूरे उत्तर प्रदेश का 75 जिलों का, चाहे पश्चिम हो, चाहे ये मध्य हो, चाहे बुंदेलखंड हो और चाहे पूर्वांचल हो, तो मुझे तो मैंने संगठन का काम किया। सबसे बड़ी वजह है कि मुलायम सिंह यादव का जुड़ाव करहल से रहा है, जिसने सीट को सपा की सेफ सीट बना दिया है, और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने दो वजहों से करहल को अपनी कर्मभूमि बनाने का फैसला किया। पहली वजह ये है कि सपा का गढ़ होने की वजह से उन्हें सिर्फ नामांकन करने की जरूरत पड़ी और चुनाव प्रचार के लिए उन्हें करहल की गलियों में घूमने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, और ऐसे में वो पूरे प्रदेश में आसानी से पार्टी के लिए प्रचार कर रही है। एक पूरी मेहनत चल रही है पार्टी के लिए, एक कार्यकर्ता की तरह जैसे सभी लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी रात दिन एक करके चारों विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं, और इस बार भी चारों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत के आएगी। देखिए, वोट जो है लाखों में जाएगी उनकी जीत, और लोगों में मैंने आपको बताया सभी वर्गों के लोग उनको देखना चाह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कोई काम इस क्षेत्र के नहीं किया, वो भी लोगों में नाराजगी है, इसलिए एक तरफा जीत आदरणीय अखिलेश यादव जी की। वहीं दूसरी वजह ये है कि मैनपुरी से लड़कर वो पश्चिमी यूपी के साथ साथ अवध में असर डाल सकते हैं, क्योंकि जो इनपुट निकल कर सामने आ रही है उस हिसाब से पूर्वांचल में उनकी पार्टी को बीजेपी से टक्कर मिल रही है, और पूर्वांचल में फोकस करने की जरूरत है, और अखिलेश के मैनपुरी आने से अवध और पश्चिमी यूपी को साधा जा सकता है। अब आपको करहल सीट का चुनावी इतिहास बताते हैं, चुनाव दर चुनाव कैसे ये सीट सपा का मजबूत किला बनती चली गई। सपा के सोबरन यादव तो करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के सोबरन यादव को अगर 2017 का विधानसभा चुनाव का परिणाम देखें तो करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सोबरन यादव को 49.81% वोट मिले, वहीं भारतीय जनता पार्टी के रमा शाके को 31.45% वोट मिले, बसपा के दलवीर को 14.18% वोट मिले। ये बात हुई 2017 विधानसभा चुनाव की। अब दिखाते हैं 2012 विधानसभा चुनाव की आंकड़े, जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सोबरन यादव को 46.90 वोट मिले थे, बसपा के तलवीर को 31.22% वोट मिले, भाजपा के अनिल यादव को 6.65% वोट मिले। इस सीट पर दलित वोटर्स होने के बावजूद भी बसपा का करहल सीट पर खाता तक नहीं खुल पाया, और कांग्रेस की आंधी में ये सीट सपा का सुरक्षित गढ़ रही। करहल विधानसभा का शुरू से सियासी मिजाज थोड़ा अलग रहा है। जब देश में कांग्रेस की आंधी थी तब भी यहां पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, लोक दल, जनता पार्टी, जनता दल और फिर समाजवादी पार्टी जीतती रही है। 1980 में एक बार कांग्रेस और 2002 में एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, और हाथी का तो यहां कभी नामो निशान भी नहीं रहा। अखिलेश यादव के लिए करहल सीट को चुनने की वजह को समझने के लिए करहल के सियासी मिजाज को समझना सबसे जरूरी हो जाता है। सिर्फ एक एक बार कांग्रेस और भाजपा ने इस सीट पर कब्जा किया, वरना प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी का इस सीट पर दबदबा रहा है। 1980 में कांग्रेस के शिव मंगल सिंह जीते थे, 1985 से 96 तक बाबूराम यादव अलग अलग दल से जीतते रहे, 2002 में सोबरन सिंह यादव भाजपा के टिकट पर जीते, भाजपा से सपा में आए सोबरन सिंह यादव, और फिर 2007, 2012, 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सोबरन सिंह यादव ने जीत दर्ज की। ये करहल का वो मिजाज है जिसे समझना जरूरी हो जाता है कि करहल की धरती पर 22 के रण का सबसे भीषण सियासी युद्ध लड़ा जाना है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बाजी किसके हाथ आती है। एबीपी गंगा के लिए करहल से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।